हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर ट्वेल्थ का एक चैप्टर लेकर के आए हैं, आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। देखिए, हम लोग एक लेक्चर ले चुके हैं जिसमें हमने ओर के बारे में बात किया था कि ओर क्या है। ओर क्या है, मिनरल क्या है, हमने बात किया था। और कितने तरह के हो सकते हैं, तो हमने बात किया था बाबू कि और चार तरह के हो सकते हैं। कौन कौन? तो सल्फाइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, ऑक्साइड, कार्बोनेट और हेलाइड। और क्या है, मिनरल क्या है, थोड़ा सा एक बार बात कर ले बाबू रे। ये यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे मिनरल क्या है और क्या है। तो देखो, मिनरल और क्या है कि जो नेचर में नेचुरली रूप से कंबाइंड स्टेट जो होगा, जो अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, लेकिन जिसमें मेटल का परसेंटेज हो उसे हम लोग कहेंगे मिनरल। यानी मिनरल होने के लिए मेटल होना जरूरी है। अगर मेटल नहीं है तो मिनरल नहीं हो सकता है, पहली बात। तो सर और क्या है, ये मिनरल से, जिस मिनरल से मेटल इजीली निकाला जा सकता हो और इकोनॉमिकली निकाला जा सकता हो, तो उसे हम और कहेंगे। जिस मिनरल से मेटल इजीली एंड इकोनॉमिकली निकाला जा सकता हो आसानी से और कम खर्च में निकाला जाता हो, तो उसे हम लोग ओर कहते हैं। अब इसके बाद बाबू हम लोग बात करेंगे ओर के कई टाइप। ओर के फोर टाइप है। पहला है सल्फाइड ओर, जो हम लोग बात कर चुके हैं। सल्फाइड ओर के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि सल्फाइड ओर क्या है। सल्फाइड ओर कौन कौन सा होता है, इसके लिए आप पहले वाला लेक्चर देख ले आप। आज हम लोग बात करने वाले ऑक्साइड ओर की बात। ऑक्साइड ओर, ठीक है ना। तो ये ऑक्साइड ओर जो होंगे कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो आपके पास पता है हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, क्यूपराइट, जिंकाइट, पायरोलुसाइट, बॉक्साइट, कैसेटेराइट, लिथार्ज। याद रखना है, यानी कि ऑक्साइड और कौन कौन सा है, तो हेमाटाइट है, मैग्नेसाइट है, क्यूपराइट है, जिंसाइट है, पायरोलुसाइट है, बॉक्साइट है, कैसेराइट है और लिथार्ज। तो ये कौन कौन सा है, तो हेमाटाइट Fe2O3, Fe3O4, Cu2O, सारा का ऑक्साइड है, ZnO सारा का ऑक्साइड है, MnO2, Al2O3, SnO2, PbO2, ये सारा का सारा ऑक्साइड है।
ये सभी के सभी कैसे हैं, ऑक्साइड है, ऑक्साइड और है। इनको याद करने के लिए आप ऐसे कर लो, हेमा मालिनी का लोहा, हेमा मालिनी का लोहा यानी हेमेटाइट लोहा का और है, हेमा मालिनी का लोहा, चोपड़ा, जैकी तथा चोपड़ा का आईटी, जैकी तथा चोपड़ा का आईटी, जैकी का आईटीई, आईटी, आईटी का मतलब आईटी का मतलब जिंकाइट, जैकी तो जिंकाइट, चोपड़ा है तो क्यूपराइट। पारो के मन में अल्मुनियम, पारो का मन का मतलब पायरोलोसाइट, मैग्नेट्स के लिए अल्युमिनियम का बक्सा, यानी कि अल्युमिनियम का बॉक्साइट, अल्युमिनियम का बक्सा जिसमें टीन का कैसेट, टीन के लिए कैसेराइट, जो लेड जैसा लिथार्स था यानी कि आपको याद करने के लिए सोचना होगा, हेमा मालिनी का लोहा हेमाटाइट लोहा का और है, जैकी तथा चोपड़ा काइटी, जैकी जिंकाइट, क्यूपराइट। पारो के मन में पायरोलोसाइट मैग्नीज का, अल्मुनियम का बक्सा यानी कि अल्मुनियम के लिए बॉक्साइट, टीन के कैसेट, टीन के लिए कैसेराइट, जो लेड जैसा लिथार्स था यानी लिथार्स का PbO2, लिथार्स किसका है, लेड का। तो आपको इसको याद करना पड़ेगा, आप इसे याद कर लेंगे, बस हेमा मालिनी का लोहा, जैकी तथा चोपड़ा का आईटी, पारो के मन में अल्मुनियम का बक्सा यानी अल्मुनियम के लिए बॉक्साइट, टीन के लिए कैसेराइट, टीन का कैसेट, जो लेड का लिथार्स यानी लेड का लिथार्स। तो इसे आप याद रखेंगे। अगला है कार्बोनेट, कार्बोनेट और कार्बोनेट और जैसे कार्बोनेट और में मेलाकाइट, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड, एजुराइट, कॉपर कार्बोनेट, सीडेराइट, FeCO3, दे आर ऑल आर कार्बोनेट। लाइमस्टोन CaCO3,
लाइमस्टोन CaCO3, मैग्नेसाइट MgCO3, हम लोग बात करते हैं डोलोमाइट, MgCO3, CaCO3। तो ये सब क्या है? कार्बेट ओर है। हेलाइड ओर भी थोड़ा सा देख लें। हेलाइड ओर में आपको याद रखना पड़ेगा, हेलाइड क्रायोलाइट, क्रायोलाइट Na3 AlF6, हॉर्न सिल्वर, AgCl, they are halide. Horn silver, rock salt, NaCl. तो ये सारे के सारे हेलाइड है। इन हेलाइडों को आप कार्बोनेट को, ऑक्साइड को आप वीडियो को रोक करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। नोट करके आप इसे याद करना पड़ेगा। अब हम लोग बात करें मेटलर्जी। व्हाट इज मेटलर्जी? मेटलर्जी, अब देखिए ये ओर है, इसमें मेटल है, ओर है, इसमें मेटल है। हम इस ओर से मेटल निकालना चाहते हैं। क्या इस ओर से मेटल निकालने के लिए कोई ना कोई प्रोसेस करना होगा? एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मेटलर्जी। यानी कि क्या करना पड़ेगा? क्या है मेटलर्जी? यानी कि ओर से मेटल को निकालने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को मेटलर्जी कहेंगे। एंड द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम पार्टिकुलर ओर, फ्रॉम पार्टिकुलर ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी। यानी कि इस ओर से हम बहुत सारा और बात किए, जैसे हेमाटाइट से आयरन निकालेंगे, बॉक्साइट से अल्मोनियम निकालेंगे, जैसे हम लोग बात किए यहाँ पे, जैसे हम लोग बात किए। अगर बात किए कि हेमाटाइट से आयरन निकाल लें, अगर पर्लोसाइट से एमएन निकाल लें, बॉक्साइट से बॉक्साइट से अल्मोनियम निकाल लें, तो ऐसे थोड़ी निकलेगा बाबू। और जब निकालेंगे और से मेटल ऐसे तुरंत नहीं निकलता है, उसके लिए हमें प्रोसेस करना पड़ता है। और जब वो प्रोसेस जब करेंगे तो उस प्रोसेस को बोलेंगे मेटलर्जी। यानी कि और से अगर आपको मेटल निकालना है तो डायरेक्ट नहीं निकलता है, कोई ना कोई प्रोसेस देना पड़ता है, उस प्रोसेस को बोलेंगे मेटलर्जी। ये
ये एक बार में नहीं निकलता है बाबू, दो तीन स्टेप में जाकर कंप्लीट होता है, मतलब कई स्टेप में जाकर के ये कंप्लीट होता है। यानी पहला स्टेप है, पहला स्टेप है यानी स्टेप ऑफ मेटलर्जी, स्टेप ऑफ मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या क्या स्टेप? तो पहला पहला क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर, यानी कि स्टेप वन में पहले क्या करेंगे, यानी मेटल निकालना होगा तो डायरेक्ट मेटल नहीं निकलेगा। पहला स्टेप होगा क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। दूसरा स्टेप होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। तीसरा स्टेप होगा आइसोलेशन ऑफ मेटल, या एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल। और चौथा होगा प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, मेटल। यानी कि आपको आपको जो अगर मेटल निकालना है तो मेटल डायरेक्ट नहीं निकलेगा। मेटल डायरेक्ट निकालने के लिए हमको इन चार स्टेप को कंप्लीट करेंगे, तभी जा करके इन चार स्टेप को कंप्लीट करेंगे तभी जा करके हमारा मेटल पूरा प्योर मेटल निकलेगा। पहला क्या है स्टेप? क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। दूसरा स्टेप है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। तीसरा स्टेप है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। और चौथा है प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। तो इनको बारी बारी से स्टडी किया जाए। पहला स्टेप को कंप्लीट करते हैं। पहला स्टेप क्या है? क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। अब देखिए, आपका जो ओर होगा, जो माइंस से यानी खदान से, जहां से ओर प्राप्त होता है, खान से, जिसको खान बोलते हैं, कि जहां पे बहुत ज्यादा ओर रहेगा, उस ओर को खुदाई करके, खान खान करके, फोड़ करके, एक तरह से पत्थरित होता है। हेमाटाइट लाल पत्थर है, पत्थर जैसा होगा, उस पत्थर लाल पत्थर को तोड़ तोड़ के लाया जाता है। ये पत्थर जो माइन से जो ओर प्राप्त करेंगे, ये लार्ज इन साइज होता है, बड़ा बड़ा चट्टान जैसा होता है। माइंस से जो ओर प्राप्त करोगे, ये क्या होगा? लार्ज इन साइज होगा, इसका साइज बड़ा होगा। इसको क्या करना होगा? इसका साइज क्या होगा? बड़ा होगा। इसका साइज क्या होगा? बड़ा होगा। अब क्या करेंगे कि इस ओर को, जो लार्ज साइज बड़ा है, इसको छोटे छोटे ओर में कन्वर्ट करेंगे, छोटा छोटा टुकड़ा में बदलेंगे। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग में क्या करना है? पहला जो आपका ओर है, उस ओर को सबसे पहले छोटे 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 टुकड़ों में बांटेंगे। छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने के लिए एक मशीन का यूज किया जाता है, जिसको हम लोग जा क्रशर बोलते हैं। यानी कि लार्ज साइज के ओर को
छोटे स्मॉल टुकड़ा में डिवाइड करने के लिए हम जा क्रशर का प्रयोग करते हैं। जा क्रशर के प्रयोग से हम बड़े साइज के ओर को छोटे छोटे साइजों में कन्वर्ट करते हैं। जब ये छोटे छोटे साइज में कन्वर्ट हो गया तो इसे हम लोग बॉल मिल या स्टैम्प मिल, बॉल मिल या स्टैम्प मिल के सहायता से, बॉल मिल या स्टैम्प मिल के सहायता से, किसी सहायता से, बॉल मिल या स्टैम्प मिल की सहायता से, किसी सहायता से, बॉल मिल या स्टैम्प मिल की सहायता से इसके पाउडर फॉर्म में चेंज करते हैं। स्मॉल साइज। तो क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग तो आपको समझ में आ गया, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग समझ में आ गया होगा कि क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग क्या है। तो सबसे पहले जो बड़ा साइज का जो ओर है, उस बड़ा साइज का ओर को आप उसको क्या करते हो, छोटे छोटे साइज में तोड़ते हो। उसको तोड़ने के लिए आप किसका प्रयोग करते हो, तो जा क्रशर का प्रयोग करते हो। जब जा क्रशर का प्रयोग कर लिया तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में तो टूट गया। अब इन छोटे टुकड़े को बॉल मिल या स्टैम्प मिल की सहायता से पाउडर में चेंज किया जाता है, नहीं, एंड इज दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पल्वराइजेशन। पल्वराइजेशन, इस पूरा प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पल्वराइजेशन बोलते हैं। तो पहला स्टेप जो है मेटलर्जी का, जो पहला स्टेप है वो क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। आपको तो समझ में आ गया होगा कि जो खान से, जो माइन से निकला हुआ ओर है उसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। उसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। उस बड़े साइज को आपको क्या करना है, पाउडर में कन्वर्ट करना है। तो पाउडर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे कि उसे, बाबू उसे पाउडर में कन्वर्ट करने के लिए उसे क्या करते हैं, जा क्रशर के द्वारा पहले स्मॉल साइज में बदलेंगे, फिर उस स्मॉल साइज को बॉल मिल या स्टैम्प मिल के सहारे से पाउडर में बदलते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पल्वराइजेशन। अब हमारा दूसरा बात है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। इसको थोड़ा सा समझा जाए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। अब ये जो माइंस से जो हम ओर निकाले हैं, इस ओर में इंपुडेंस भी होगा, जैसे मिट्टी क्ले बालू होगा। इन इंपुडेंस को आप गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हो, जो ओर के साथ जो इंपुडेंस होता है, इस इंपुडेंस को गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। अब बाबू क्या करना है, जो माइंस से जो ओर निकाला उसके साथ इंपुडेंस तो होगा ही होगा, जाहिर सी बात है इंपुडेंस होगा। उस इंपुडेंस को हटाने के लिए, उस इंपुडेंस को गैंग या मैट्रिक्स कहेंगे। ओर के साथ जो इंपुडेंस प्रेजेंट होता है उस इंपुडेंस को गैंग या मैट्रिक्स कहेंगे। अब इस इंपुडेंस को हटाना चाहते हैं तो यानी द प्रोसेस ऑफ, रिमूवल ऑफ
रिमूवल ऑफ ओर, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ओर, सॉरी द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इंप्यूरिटीज फ्रॉम ओर, फ्रॉम ओर इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। यानी कि आप जो ओर निकाले हो माइन से, खान से या खदान से, जो आप ओर निकाले हो उस ओर में वो प्योर ओर नहीं है, उसके साथ इंप्यूरिटीज तो हैं। उस इंप्यूरिटीज को अब हम निकालना चाहते हैं। उस इंप्यूरिटीज को निकालने के लिए जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, या इसका एक नाम और भी है ओर ड्रेसिंग। या बेनिफेक्शन, यानी कि आप ओर को साफ साफ करने का जो प्रोसेस है, ओर को साफ करने का जो प्रोसेस है, उस ओर को साफ करने का प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। यानी कि इस जो ओर निकला है उसमें तो इंपोर्टेंस होगा, उसको हटाना यानी कि ओर को साफ करना। अब साफ करने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर जो है वो दो तरह का हो सकता है, एक फिजिकल मेथड और एक केमिकल मेथड। एक फिजिकल मेथड और दूसरा केमिकल मेथड। यानी कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर है, एक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर दो तरह का होगा, एक फिजिकली हम ओर को हटाएंगे या मैकेनिकली ओर को हटाएंगे, और दूसरा केमिकल के द्वारा ओर को हटाएंगे, तो उसको केमिकल सेपरेशन या केमिकल मेथड कहेंगे। बाबू फिजिकल मेथड में हमारे पास चार प्रोसेस है, पहला बाय हैंड पिकिंग, दूसरा है बाय ग्रेविटी सेपरेशन, बाय ग्रेविटी सेपरेशन, तीसरा है बाय मैग्नेटिक सेपरेशन, और चौथा है फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो ओर है उसको आप दो तरीके से कर सकते हो, पहला बाय फिजिकल मेथड से और बाय केमिकल मेथड से। फिजिकल मेथड में बाय हैंड पिकिंग, बाय ग्रेविटी सेपरेशन, बाय मैडिक सेपरेशन या फ्रॉथ प्रोडक्शन प्रोसेस हो सकता है, और केमिकल मेथड में एक ही प्रोसेस है लीचिंग। अब हम लोगों को क्या करना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर को बारी बारी से सभी को बारे में पढ़ना है। अगला हम लोग आगे का
अगली बार बात करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।